हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज ऋषभ बिस्ट हेयर। दोस्तों, एफ कैट का एग्ज़ाम है 18 और 19 अगस्त को, और आने भी अभी एसएससी भी आने वाला है, फिर सीडीएस भी उसके बाद। तो करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हम हर मंथ के कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को और देखने के लिए पूरे सीरीज़ को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्टडी टेबल। शुरू करते हैं। पहले मंथ जनवरी, यानी जनवरी 18 से शुरू करेंगे। तो पहला है चीफ गेस्ट एज इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 69th रिपब्लिक डे। तो कौन था उसमें चीफ गेस्ट 69th रिपब्लिक डे में, ये भी इम्पॉर्टेंट है कौन सा रिपब्लिक डे था। तो 69th रिपब्लिक डे था, तो उसमें चीफ गेस्ट थे दोस्तों 10 लीडर्स ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसके जो लीडर्स हैं उनके जो कंट्रीज के, उन्हें बुलाया गया था 69th रिपब्लिक डे में। दोस्तों, इस एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, इसके मेंबर हैं जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं। अगला है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, जो कि बैडमिंटन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इंडिया में। उसने अभी एक जनवरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। वह किसे दिया था? तो वह दिया था प्रकाश पादुकोण को। अपने टाइम के बहुत ही जाने माने और फेमस खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। इनकी बेटी भी बहुत फेमस हैं, बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण। तो आगे चलते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ अपॉइंटेड। सो दोस्तों, ये जनवरी के करंट अफेयर हैं, तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ द मिशन फॉर 21st कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो अभी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए, तो विक्रम सिंह सिसोदिया को थे हमारे चीफ द मिशन। चीफ द मिशन थोड़ा फ्रांस के स्टाइल में इनकी पोस्ट डिजाइन करी गई। तो विक्रम सिंह सिसोदिया थे, और इस जो ये कॉमनवेल्थ थे अप्रैल में हुए थे, इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। विद 26 गोल्ड इंडिया वाज थर्ड, एंड टोटल इंडिया के 66 गोल्ड थे, ये भी 66 मेडल्स थे। और फर्स्ट पोजिशन पर था ऑस्ट्रेलिया विद 80 गोल्ड्स। तो आगे है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG। दोस्तों, NSG एक आर्मी की एक यूनिट है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो इसलिए जो उसका चीफ होता है यानी डायरेक्टर जनरल, वो एक IPS ऑफिसर होता है। इसमें आर्मी वाले ऑफिसर इसे कमांड नहीं करते, बट इसमें जो रिक्रूट होते हैं वो आर्मी से होते हैं। तो जो न्यू डायरेक्टर है NSG के, वो हैं IPS संदीप लखटकिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अशोक चक्र। इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है, ये है अशोक चक्र। ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। ये इंडियन एयरफोर्स से हैं, ये गरुड़ कमांडो फोर्स के मेंबर हैं, यानी कि गरुड़ कमांडो फोर्स दोस्तों एक स्पेशल फोर्स होती है एयरफोर्स की। इन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था राष्ट्रीय राइफल्स यानी आर्मी के साथ, तो उसमें ये शहीद हुए थे, तो इसलिए उन्हें अशोक चक्र दिया गया है पॉस्थमसली, यानी कि मरणोपरांत। नेक्स्ट इज INS करंज, इंडिजेनसली बिल्ट डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च्ड एट मजगांव डॉक लिमिटेड। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, इसका नाम है INS करंज। तो ये मुंबई में इसे लॉन्च किया गया पहली बार। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल एम्बलम। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना एक एम्बल बनाया है, इसका नाम है विश्व बंगला। तो इसका लोगो देख सकते हैं आप ये। तो आगे से जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के वर्क के अंडर, इन पर ये लगाया जाएगा। तो ये है विश्व बंगला, उसका और इसका लोगो ही। आगे चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क फॉर पीपल विद स्पेशल नीड इज इनाग्रेटेड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट इन हैदराबाद। अगर पूछा जाए कि पहला नेशनल पार्क इंडिया का जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए बनाया गया है, तो वह हैदराबाद में। इसकी खासियत है, इस पार्क में आपको स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, जो कि आपको डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस और पीपल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट इज स्कीम फॉर मास पार्टिसिपेशन एंड प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट।
दोस्तों गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में और जो गेम्स होते हैं उसमें इंडिया का स्तर ऊंचा हो। और उसका स्कीम का नाम है वाइब्रेंट खेलो इंडिया। इसमें बच्चों से ही जो भी प्लेयर होंगे उनको बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसलिए स्कीम है, इसका नाम है वाइब्रेंट खेलो इंडिया। उसका लोगो है ये खेलो इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड कर्नल स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन राठौर, इन्होंने ये लोगो लॉन्च किया 6 जनवरी को। आगे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू इन वर्ल्ड टू लीगलाइज इक्वल पे बिटवीन मेन एंड वीमेन, यानी कि आइसलैंड में लॉ बना दिया गया है कि मेन और वुमेन को सेम पोस्ट पे सेम ही सैलरी दी जाएगी। अगर मेन को सैलरी ज़्यादा दी गई तो वह एक इलीगल काम है। नेक्स्ट इज पोर्टल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल गवर्नमेंट स्कीम फॉर वुमेन, यानी कि एक भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसके अंदर जो वुमेन के लिए, नारी के लिए, स्त्रियों के लिए एक स्कीम्स सारी हैं जितनी भी गवर्नमेंट की वह देखी जा सकती हैं। तो उसका नाम है नारी यानी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन। तो ये है पोर्टल। आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मेडल इन स्कीइंग। स्कीइंग दोस्तों एक स्नो पे किया जाता है, स्नो पे स्केटिंग काइंड ऑफ एक गेम होता है। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल मेडल आया है इसमें, और वह लाई हैं आचल ठाकुर। ये ब्रॉन्ज मेडल था इनका अल्पाइन एजर 3200 कप टर्की में गेम हुए थे, वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आचल ठाकुर इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मेडलिस्ट इन स्कीइंग। नेक्स्ट इज न्यू चेयरमैन ऑफ कंट्री स्पेस एस्टेब्लिशमेंट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो नए चेयरमैन है के सिवान, इन्हें रॉकेटमैन भी कहा जाता है। इनसे पहले थे AS किरण कुमार, और अब इनको जनवरी में इनको बना दिया गया है चीफ, के सिवान। आगे है टू नेवल शिप्स, इंडियन नेवल शिप्स हैज बीन डीकमीशन्ड। दो INS जहाज भारत के बहुत ही पुराने, इनको अब डीकमीशन कर दिया गया। वह कौन कौन से थे? वह थे INS निर्भिक, जो कि 30 साल बाद डिकमीशन हुआ, और एक था, दूसरा था INS निर्घाट 28 ईयर्स बाद। नेक्स्ट इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजेनियसली डेवलप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5। इसकी रेंज अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर है। तो इसको लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। नेक्स्ट इज इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 100 सैटेलाइट। भारत ने अपनी 100वीं सैटेलाइट भेज दी है ऊपर। ऑफ ये है कैट्रोसैट 2 सीरीज की। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी हैड एस्टेब्लिश अ स्किल ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कौन सी यूनिट ने किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय राइफल्स ने जम्मू एंड कश्मीर में। इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों एम्पावर कश्मीरी यूथ। आगे है वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2018। जो GDP ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट है, उसको वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 7.3 रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है, यानी IMF ने कहा है 7.4 रहेगी। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र लिखते हैं, उन्होंने कहा है 7-7.5 रहेगी। दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इंडिया के इस टाइम है अरविंद सुब्रमण्यम। तो ये है। नेक्स्ट इज हिंदी वर्ड फॉर द ऑफ द ईयर एज अनाउंस्ड बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज फॉर 2017। तो आधार है जो वर्ड, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर मिला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज सऊदी अरेबिया एंड UAE हैव इंट्रोड्यूस्ड VAT, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन January 1। सो अब से जो टैक्सेशन सिस्टम है इनका, वो VAT पे काम करेगा। इंडिया ने हाल ही में VAT से चेंज करके GST कर दिया है। दोस्तों यही थे जनवरी 2018 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट फरवरी के अगली वीडियो आएगी आपके लिए कल ही, तो और उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी टेबल। थैंक यू।